Friends, today we are going to discuss our unit number 2. The title of the unit is The Sound of Music. The writer of this unit is Deborah Colley. So first we are going to discuss about the writer. Deborah Colley was born in India, grew up in Toronto, Canada, graduated in English from the University of Western Ontario and moved to Ottawa for a job with the Unitarian Service Committee. She then spent 2 years with the United Nations Relief and Work Agency, UNRWA, in Beirut, Lebanon, before moving back to Ottawa to join the Canadian International Development Agency, CIDA, CIDA. Her broadcasting career began when she was posted to Washington with her husband. She worked as a freelancer reporter for CBC Radio. When she and her husband were posted to Cairo, Egypt, she was commissioned to write the first official guidebook for Cairo and is currently in its 17th edition. Subsequent posting to London and gave Deborah the opportunity to write articles for the British and international editions of Reader's Digest. तो ये उनका पूरा जीवन का परिचय था. उन्होंने बहुत से इंटरनेशनल मैगजीन में जो जाने माने हैं इनके अंदर उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा. रीडर डाइजेस्ट में भी वो लिखते रहे और ये बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस उनके पास था. यहां पर इस चैप्टर के अंदर द साउंड ऑफ म्यूजिक इसके अंदर उन्होंने 2 कैरेक्टर के ऊपर पूरा फोकस किया है, Part 1 and Part 2. इस तरह से पूरा चैप्टर है वो डिवाइड किया गया है. तो यहां पर Part 1 के अंदर जो मेन पॉइंट्स है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, शॉर्ट समरी इनके इनकी चर्चा करेंगे और जो डिफिकल्ट वर्ड है इनके बारे में चर्चा करेंगे. सो द थीम ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट पार्ट के अंदर जिनके ऊपर फोकस किया गया है वो कैरेक्टर जो म्यूजिक के फील्ड से है वो नाम है एल्विन ग्लेनी. इज ए मल्टी प्रिकॉशनिस्ट. She can play about 1,000 instruments with perfection. तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी गिफ्ट ईश्वर ने उनको दी थी. 1,000 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को वो परफेक्शन के साथ बजा सकते थे. She listen to sound without hearing it. तो उनके पास एक विकलांगता थी. शी वॉज हैंडीकैप इन वन रिस्पेक्ट. शी वॉज नॉट एबल टू हियर द वॉइस. वो अपने कान से वो कोई भी आवाज को सुन नहीं सकती थी, मगर वो पूरे म्यूजिक को पूरा इंस्ट्रूमेंट को इतने अच्छी तरह से वो बजा सकते थे कि जो सुन सकते हैं वो भी सरप्राइज उनको लगता है. एल्विन फोट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल पर्संस. वो डिसेबल, वो विकलांग थी, दिव्यांग थी, फिर भी असंख्य दिव्यांगों के लिए वो आज एक प्रेरणा का स्रोत बन गई. क्यों? क्योंकि वो खुद
डिसेबल थी, फिर भी वो इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी। जैसे बहुत बड़ा नाम आपने सुना है बीथोवन का, बीथोवन की 6th सिंफनी, 9th सिंफनी, तो वो आज जग विख्यात हो गए। वो सुनने में वो काबिल नहीं थे, वो डिसेबल थे, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा म्यूजिक दिया जो आज तक ही इज ऑल्सो कंसिडरिंग द वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड। इसी तरह यहां पर ये जो कैरेक्टर है एल्विन ग्लेनी, इनकी लाइफ स्टोरी यहां पर इंस्पिरेशन हमें देती है। तो इनके जीवन के बारे में यहां पर हमें पढ़ने को मिलेगा। सो द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, ये सभी बातें आपको फेयर बुक के अंदर लिख लेनी है। सो द फर्स्ट पॉइंट, एल्विन ग्लेनी वॉज 8 व्हेन हर हियरिंग डिसेबिलिटी वॉज नोटिस्ड फर्स्ट टाइम बाय हर मदर एंड एट 11 हर डिसेबिलिटी वॉज डिस्कवर्ड एट स्कूल। तो वो जब छोटी 8 साल की थी, छोटी थी, तब उनको मदर को पता चल गया था कि वो सुनने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, वो सुन नहीं पाती। और जब 11 साल की थी तब क्लासरूम के अंदर ये रिकॉग्नाइज हो गई थी, आइडेंटिफाई हो गई थी, इनकी जो ये डिसेबिलिटी है वो सभी को पता चल गया था। दूसरा मेन पॉइंट, शी वॉन्टेड टू मेक हर करियर इन म्यूजिक बट हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर, जैसे बहुत से ग्रेट लोगों के साथ हुआ है। ज्यादातर ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जज्बे से, अपने स्पिरिट से, अपने इंट्यूशन से वो आगे जाने को सोच रहा है, तभी जिनके पास वो मार्गदर्शन लेने जाते हैं वो उनके पोटेंशियल को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और वो उनको रिडिक्यूलस करते हैं या तो डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते। ऐसा इनके साथ भी हुआ था, ग्लेनी के साथ भी, कि जो टीचर्स के पास वो म्यूजिक सीखने जाने वाली थी उन्हीं टीचर्स ने कह दिया कि डिसेबल है, ये म्यूजिक के अंदर इतनी आगे नहीं जा सकती। तो ऐसा यदि कुछ छोटे मोटा एक्सपीरियंस आपके जीवन में भी यदि है तो आपको वो सब कुछ दिमाग में नहीं रखना है, मगर आगे जाकर यही बात आपको मोटिवेट करेगी और आप आगे जाकर अच्छे सफल व्यक्ति जिसके अंदर आपकी रुचि है इसके अंदर आप बन सकते हो। थर्ड अनदर पॉइंट, फॉर्चुनेटली सी मेट रॉन फॉब्स द प्रीकशनिस्ट वॉज आइडेंटिफाई हर पोटेंशियल एंड सपोर्टेड हर इन अचीविंग हर गोल। और आगे जाकर फिर वो रॉन फॉब्स को मिलती है और वो इनकी तरह ही ड्रीमर थे, वो भी हार्ड वर्कर थे, उन्होंने भी इसी तरह से, इसी पोटेंशियल और स्पिरिट से ही अपना करियर बनाया। तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आगे जाकर बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन सकती है, तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया। ही ट्रेन्ड एल्विन टू सेंस द म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उन्होंने एल्विन को सिर्फ कान से सुनने की शिक्षा नहीं दी, मगर पूरे शरीर से वो म्यूजिक को सुने, एहसास करे, उनको महसूस करे, उनको रिलेट हो, ऐसी उनको शिक्षा दी। देन सडनली सी वॉज एक्साइटेड टू फील द वाइब्रेशंस इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। तो ये जो नई टेक्निक उनको सिखाई थी उसी टेक्निक से वो पूरे म्यूजिक को अपने बॉडी के अंदर वाइब्रेट करना, उनको महसूस करना उनको सीखने लगी वो। एल्विन फॉलोड हिम लाइक एन ओबेडियंट स्टूडेंट एंड इन द मीन टाइम सी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। और इसी शिक्षा वो एक आज्ञांकित स्टूडेंट की तरह वो सीखने लगी और इसी वजह से वो अच्छी तरह से पूरे बॉडी को ओपन करना, माने कि
जो म्यूजिक आ रहा है उनको रिसीव करना वो सीख गई, और यही कला से वो वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड बन गई। आफ्टर दिस शी नेवर लुक्ड बैक, और फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी देखा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एल्विन ज्वाइंड द फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड वर्क्ड हार्ड विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और फिर उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को ज्वाइन किया और पूरे दृढ़ निश्चय से वो इसके अंदर मेहनत करने लगी, आगे जाने लगी। इनफैक्ट सी रीच द पीक ऑफ हर कैरियर, और फिर अपने कैरियर की जो ऊंचाई, जो शिखर वो हासिल कर सकती थी वहां तक वो पहुंच गई। मंजिले उन्हीं को मिलती है, मंजिले उन्हीं को मिलती है जिन सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यहां पर ये हमारा आज का जो कैरेक्टर, जो हमारा हीरोइन है, जो रोल मॉडल है, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अपने जज्बे से, अपने स्पिरिट से ही हम आगे जा सकते हैं, ना किसी का मार्गदर्शन और ना ही किसी की जो कंफर्ट से, फैसिलिटीज है, जो कन्वीनियंसी है, उनसे सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकते, मगर हमारे अंदर जो बर्निंग डिजायर रहती है उनसे ही हम अचीव कर सकते हैं। इन 1991 सी बैक द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और इसके बाद 1991 में वो प्रेस्टिजियस जो रॉयल सोसाइटी का जो प्रोग्राम होता है सोलोइस्ट, वो ये अवार्ड उनको मिलता है, उसी प्रोग्राम को वो अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त करती है। सी टोल्ड द वर्ल्ड फॉर सी टूर द वर्ल्ड फॉर द कंसर्ट्स एंड बिकम अ काइंड ऑफ वर्कहॉलिक, और वो एक के बाद एक पूरे विश्व के अंदर वो उनकी टूर, उनका प्रोग्राम अब वहां अरेंज होने लगा, उनको निमंत्रण मिलने लगा, और वो अपने आप को वो वर्कहॉलिक साबित करने लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस सी गेव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, तो वो जो जो उनको कलाएं सीखी थी, जो साधना थी, जो आज उनका स्टेटस बन गया था, उनके पास स्किल थी, उनको वो सोशल सर्विस के अंदर भी यूटिलाइज करती थी, और उन्होंने उनका जो हॉस्पिटल्स थे, जो जेल थे, इनके अंदर जाकर भी फ्री में उन्होंने कॉन्सर्ट्स वहां पर योजने की अनुमति दी, और वो ऐसी चैरिटी भी करती थी। एल्विन सून बिकम अ शाइनिंग स्टार एंड इंस्पिरेशन फॉर नॉट ओनली द डिसेबल वंस बट फॉर ऑल, और धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि वो सिर्फ डिसेबल के लिए ही प्रेरणा स्त्रोत नहीं थी, मगर बाकी के सभी लोगों के लिए भी वो प्रेरणा का स्त्रोत बन गई थी। सी अचीव्ड मोर देन मोस्ट पीपल डू ट्वाइस हर एज, और इसके बाद सी अचीव्ड मोर देन मोस्ट पीपल डू ट्वाइस हर एज, एवरेज लोग जो अपने दो गुना जीवन यदि उनको मिलता है, दो जन्म का कर्म जो करते हैं, तो भी अचीव नहीं करता है, उतना वो सहजता से एक ही जन्म के अंदर उन्होंने अचीव कर लिया। तो ये थे मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी थे। जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आप इस यूनिट के अंदर आने वाले हैं, तो इसका भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी फेसबुक के अंदर। रश आवर माने अ टाइम व्हेन पीपल यूजुअली ट्रैवल, माने सबसे बिजी अवर्स के जिनके अंदर ज्यादातर लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं। क्राउड माने लोगों का समूह, भीड़। जोसल माने पुश, रफली किसी का धक्का लगना, किसी को धक्का देना। अंडरग्राउंड माने
जो भी भूमिगत है, माने नीचे के तौर के ऊपर है, निचले जो फ्लोर के नीचे जो गतिविधि चलती है वही। स्लाइट माने पतली, नर्वस माने अनइजी, बेचैनी, अप्रोच माने उनके पास आना, उनका संपर्क करना, चैलेंजेस डिफिकल्टीज, प्रोफाउंडली प्रोफाउंडली माने पूर्णतया। तो ये सभी जो वर्ड्स है ये आपको फेयर बुक के अंदर लिख देने हैं। इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें 9th स्टैंडर्ड के दूसरे यूनिट के अबाउट द राइटर और द ऑथर हमने चर्चा की, इसके बाद मेन पॉइंट्स के बारे में चर्चा की, अब हम जो पूरा यूनिट है इसके बारे में इनकी चर्चा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।